दिखाए जिससे कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊं, नहीं, ऊपर वाला रास्ता हर इंसान के लाइफ में। हाँ, ये हो सकता है किसी को प्रत्यक्ष मिलता है, किसी को घुमाकर अप्रत्यक्ष रूप में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन 95% लोग उस मौके को पहचान नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते कि मुझे ये काम करना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। आज से 11 साल पीछे जब मुझे भी ये बिजनेस मिला था, तो आज जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं रोहित शर्मा आज ये करोड़ों के बंगलों में रहते हैं, इतना पैसा रोहित शर्मा जी कमाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज से 11 साल पीछे जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो मैंने कोई भी तुरंत खान वाला काम नहीं किया। मैंने बस एक काम किया था, और वो एक काम यही था कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे यस ये काम करना है, और कुछ भी मैंने किया। क्योंकि ना तो हम यहाँ पे कोई इस बिजनेस में कोई एकदम टावर रोल वाला काम करते हैं, ऐसा जो बहुत सारे पोथी शास्त्र पढ़ना है हमें। MBBS क्या है? MBBS कर रहे हो? नो सर। डॉक्टर इंजीनियरिंग के बीटेक एमटेक तो नहीं कर रहे हो ना? नो सर। दुनिया का सबसे सिंपल काम आप कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग की मानसिकता है लोगों की, अलग अलग रूपों में लोग डायरेक्ट सेलिंग को हमारे देश में देखते हैं। देखो ये क्यों है, जैसे आज देखोगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो आप और हम कर रहे हैं, पिछले 11 सालों से मैं कर रहा हूँ और लगभग 19 सालों से हमारी कंपनी काम कर रही है। 19 साल आप समझते हो 19 साल क्या होता है? हम तो बड़े बड़े आराम से बोल देते हैं कि हमारी कंपनी आज 19 सालों से काम कर रही है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो इस 19 साल को, तो एक बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा 19 साल में जवान हो जाएगा, क्या सही कह रहा हूँ? यस सर। और 19 सालों से आपकी कंपनी काम कर रही है, और आने वाले ना जाने कितने सालों तक हम इस बिजनेस में रहने वाले हैं, इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में शुरू हुई है। लेकिन आज से 11 साल पीछे भी मुझे वो चीजें सुनने को मिलती थी जो आज आपको भी सुनने को मिलती होगी, कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोग अलग अलग धारणाएं रखते हैं। किन्हीं को लगता है कि फंसने वाला काम है, किन्हीं को लगता है ये सब कंपनियां नहीं चलती, किसी को लगता है, मतलब अलग अलग बातें। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो हमारा जो देश है, हम किसी डेवलप कंट्री में नहीं रहते, ये विकसित देश नहीं है, हम विकासशील देश है, जो हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जितने भी डेवलप कंट्रियों में देखोगे, जो विकसित देश है, चाहे वो अमेरिका हो, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जो सक्सेस देश है, जो डेवलप कंट्री है, उन देशों में ये डायरेक्ट सेलिंग को लोग इज्जत और मान सम्मान वाला काम समझते हैं। लगभग 70-80 सालों से वहां ये काम चल रहा है, जो हमारे देश में शुरू हुआ है मुश्किल से 24-25 साल हमारे देश में हुआ है इस इंडस्ट्री को। और इसकी ताकत में मैं खुद आपको जो बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है अभिषेक सुकमा नाम है उसका, अभिषेक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वो लगभग 6 साल वो न्यूयॉर्क में जॉब किया, उसके बाद सऊदी अरबिया में वो रहा, लगभग 6-7 साल सऊदी अरबिया में रहा। अभी पिछले 4-5 साल पहले उसने खुद की एक सॉफ्टवेयर की कंपनी डाली, मतलब एक सक्सेसफुल इंसान है बहुत, मतलब कि भारत के कई बड़े बड़े शहरों में उसका ऑफिस है। तो अभिषेक ने मुझे एक बात बताया, अभिषेक ने जब हम अचानक से हमारी भेंट हुई कई सालों बाद, तो अभिषेक ने बताया कि जो मैं काम कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कह रहा है, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, और उसका मतलब कि मैं उसका कई दिन मतलब साथ में बिताए थे, मुझे लगता है कम से कम 15-20 ऐसे देश हैं जहां पे उनके क्लाइंट है, जिस कंपनी को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो उसने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है दुनिया में, क्योंकि वो अलग अलग देश घूम चुका है। उसने मुझे बताया कि रोहित आज के डेट में अगर मेरा बच्चा अगर जवान रहता और अगर वो पूछता कि मुझे पापा किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं उसको बोलता डायरेक्ट सेलिंग का। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तो लोग बोलते हैं कि उल्टा काम है, फंसने वाला काम है, इस कंपनी में लोग मूर्ख बनाते हैं दूसरे को, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। उसने बताया कि हमारे देश में मानसिकता कैसी है लोग, क्योंकि हम एक विकासशील देश है, हमें हमारे देश में हम जो है ना, जितने भी जो विकसित देश हैं उनसे हम लगभग 15-20 साल पीछे चलते हैं हर मामले में। किसी चीज को उठा लेना, जैसे आपके साथ बहुत सारे लोग जींस पहन के आए हो, मैं खुद मान लो ब्लेजर पहन के आया, आपको क्या लगता है आज से 40-50 साल पहले हमारे देश में कोई ब्लेजर पहनता था क्या? नो सर। जींस पहनता था क्या? नो सर। आपको याद करो आजादी का आंदोलन, हमने तो बहिष्कार किया था विदेशी कपड़ों का, हमने जलाया था, हमारे क्रांतिकारी फाइटर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कहा था कि हम अपने देश का बना हुआ खादी का कपड़ा पहनेंगे। लेकिन ये कहां से आ गया? क्योंकि हर विकासशील देश विकसित देशों को कॉपी करता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वहां पे बिजनेसमैन सूट पहनते हैं, वहां के यंगस्टर जो होते हैं जींस पहनते हैं, आप कोई भी चीजों को उठा लो, वो
वो हमसे बहुत आगे हैं हर चीजों में, टेक्नोलॉजी के मामले में। हमारे यहाँ का देखो प्लीज बुरा मत मानना, मैं बहुत इज्जत करता हूँ अपने देश के आर्म फोर्सेस सब लोग का, पुलिस मिलिट्री सब लोग हमारे देश के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे देश की पुलिस को देखना, ये बड़े बड़े पेट लेके घूमते हो, और आप देखना डेवलप कंट्रियों के पुलिस को, उनकी ड्रेस देखना, ड्रेस कैसे पहनते हो, कितनी हाईटेक रहते हो, बिना वो बुलेट प्रूफ जैकेट का उनका ड्रेस मतलब कंप्लीट नहीं होता। हमारे यहाँ आज भी लोग सरहद पे रहते हैं ना, वो सबके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, और है भी तो उतनी मतलब टेक्नोलॉजी वो हाई ग्रेड का नहीं है। आप किसी चीज को उठा लो, हमारे यहाँ जो फिल्में बनती है बॉलीवुड, कहाँ बॉलीवुड और कहाँ हॉलीवुड, इंग्लिश फिल्में आप कभी आप पसंद करते हो, देखे हो कभी? देखना आप, अगर वो अगर कोई फिल्म मान लो कि वो अगर कोई फिल्म बना रहे हैं मान लो कि किसी चीज को, तो उसकी आप चीजों को देखना है किस प्रकार से पेश करते हैं। अगर वो अलग ग्रह का अगर कोई अगर अलग अलग उनकी सीरीज चलती रहती है बहुत सारी, तो आप देखना अगर वो मंगल ग्रह का अगर बना रहे हैं, चंद्रमा को लेकर बना रहे हैं, या पृथ्वी को लेकर बना रहे हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है कैसे क्या, अगर वो फिल्में बनाते हैं बहुत आपको अधिकतर फिल्मों में आपको सीखने को मिलता है ये कैसे काम करता है। Yes. और एक हमारे यहाँ फिल्में बनती है, एक ऋतिक रोशन का फिल्म आया था जादू, मोटा मुंह लेकर घूम रहा, देखने तो बंदर दिख रहा है, देखिए वो कोई भी लिया फिल्म ऋतिक रोशन का, yes, sir. जिसमें उसने दिखाया कि एलियन है दूसरे ग्रह से आया, yes, sir. वो कैसा दिखता, बंदर की तरह दिखता रहो, yes, sir. ये हमारा इमेजिनेशन है हमारे देश में, तो हम बहुत चीजों पीछे हैं अभी, हो सकता है जरूर होगा ऐसा भी कि आने वाले 15-20 साल बाद हमारे यहाँ भी फिल्में अच्छी बने। आप देखना कि वो 16 घंटे की 1.5 घंटे की मूवी बनती है हॉलीवुड इंग्लिश फिल्म में, और 1.25 घंटे की फिल्म वो चाहते हैं, तो हमारे देश में 3-3 घंटे की फिल्म बनती है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनती है कि वो थिएटर में उसको बीच में ब्रेक देना पड़ता है 1 नंबर 2 नंबर जाने के लिए, yes. कि जा करके फिर जाके बैठ जा होता है कि नहीं, yes, लेकिन वहां मात्र क्योंकि वो जाते इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो 3-3, 4-4 घंटे बैठकर फिल्म देखे, तो हम बहुत सारे मामलों में डेवलप कंट्रियों से पीछे हैं। तो आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसको लेकर आज भी आपको तरह तरह के लोगों की भ्रांतियां हैं, ये आने वाले 10 साल बाद ही रहेंगी, लेकिन जहां जैसे रिजल्ट आपको मिल जाता है, जैसे आज अगर मैं खुद की बात करूं, आज से 11 साल पहले लोग भी बहुत तरह की बातें मुझे लेकर करते थे, लेकिन आज जो रोहित शर्मा है, आज किसी की मजाल नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे मेरे दूर दूर के रिलेटिव मेरे दोस्त कोई, आज वो बुरा नहीं बोलता, जो मेरे साथ नहीं जुड़ पाया था, जो मेरे साथ किसी कारणवश काम नहीं किया या जो भी तरह की बातें रही, आज उसके अंदर पछतावा रहता है कि 11 साल पहले रोहित ने हमें इनवाइट किया था, रोहित ने हमें बताया कि इस काम को लेकर, हमने किया नहीं। तो ये खैर हम इस पे आएंगे आराम से, फिलहाल हम अपने टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं। तो आज से 11 साल पीछे ठीक आपकी तरह मुझे ये बिजनेस मिला था और मैंने बस एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, और इस काम को मैंने दोस्तों सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम आप छोटा काम या कोई बड़ा से बड़ा काम करो बिना सीखे आप नहीं कर सकते, और यदि बिना सीखे करते हो तो आपको नुकसान लगेगा, आपको चोट पहुंचेगी, आप गिरोगे। कोई भी काम दुनिया का आपको जो भी काम लगता है छोटा हो या बड़ा, आप अगर आप में से लोग आप बाइक चलाते हो, अब याद करो आप कभी ना कभी बाइक चलाना पहले सीखे थे तो आज आप बाइक चलाते हो। यस सर। अगर जिनको बाइक चलाना जो नहीं सीखे, आप में से कोई ऐसे जो बाइक नहीं चला पाते, आप शर्माओ मत, अगर नहीं आता तो आप दिखा सकते हो, कोई नहीं आपको शर्म आना कि इतने लोगों के बीच कैसे उठाऊं कि मैं नहीं चला पाता, लेकिन होंगे आप में से कितने लोग कार नहीं चला पाते, ठीक है, आप में से कितने लोग हवाई जहाज नहीं उड़ा पाते, मैं भी नहीं, ठीक है, कोई शर्म नहीं हाथ उठाने में, ठीक है, नहीं कर पाता, नहीं सीखा हूं ना मैं पायलट थोड़ी, मैंने सीखा नहीं है, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। तो दुनिया का हर वो काम, अगर कोई मोटरसाइकिल नहीं चला पाता, कोई कार नहीं चला पाता, तो बस कारण यही है कि उसने सीखा नहीं है, अगर वो सीख लेता तो वो काम उसके लिए आसान हो जाता, और यदि वो नहीं सीखा है तो उसको दुनिया का कितना भी अच्छा बाइक दे दो, अगर वो बाइक चलाना ही नहीं जानता, आप उसको एकदम बढ़िया वाला शिवाजी बुलेट लगाए, मान लो बुलेट दे दो उसको, ले भाई बुलेट वाली शान की सवारी होती है, आप चलाओ, चला पाएगा नहीं चला पाएगा। अगर आप उसको बता भी दो कि ऐसे ऐसे करने से बुलेट चलेगा तो भी नहीं चला पाएगा, क्योंकि सीखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं सीख पाओगे। आप में से कोई ऐसे बाइक, आपने से अधिकतर लोग हाथ नहीं खड़ा किए थे कि मैं बाइक चलाना जानता हूं। अब फिर से एक बार मैं पूछता हूं कि आप में कितने ऐसे लोग हैं जो बाइक चलाना जब सीख रहे थे तो आप गिर के अपने हाथ पैर को चोट लगाए थे, कितने लोग हैं? मैं तो भाई गिरा था। आप में से ऐसे भी जो बिना गिरे हुए सीख रहे थे? नहीं। तो वो व्यक्ति जो व्यक्ति चलाना नहीं सीखा है
उस व्यक्ति को बुलेट दे दो और उसको बता दो आप कि ये रही चाबी, चाबी को इसमें डालना है और तुमने क्या करना है, तुमने सेल्फ दबाना है, क्लच दबाकर सेल्फ दबाना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्लच दबाकर तुमने एक नंबर गियर लगाना है, उसके बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और उसके बाद गाड़ी एक्सीलेटर लेना, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब देखो बंदे के साथ क्या होता है, वो चाबी जब पकड़ेगा तो चाबी को ऐसा पकड़ेगा कि दुनिया की कौन सी दुबिया चाबी पकड़ लिया। और उसके बाद डालते वक्त देखो कैसे डालता है वो व्यक्ति, आपके साथ भी कभी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, वो चाबी कैसे डालेगा पता है? अब यहीं पे मैं किसी और का एग्जांपल देता हूं जो चलाना जानते हैं, आप देखना वो कैसे करता है कि अगर सामने कोई दोस्त खड़ा है, आप उससे बात कर, बात करते करते आप चाबी लगा लेते हो, बात करते करते आपने सेल्फ क्लच दबा दिया, अब गियर ले लिया और बात करते हुए आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति कहां से स्टार्ट किया, पहले तो ऐसा चाबी डाला जैसे दुनिया की कौन सी बड़ी तिजोरी खोल रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो सेल्फ दबा के स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट कर दो कैसे होगा पता क्या होने वाला है, हो गया सर। उसके बाद क्योंकि हमारे आपके साथ सबके साथ हुआ है, तो बिना सीखे कभी कुछ नहीं हो सकता। अब वो आगे क्या करने वाला है, आपने बोला था क्लच दबाना है और गियर लेना है, अभी वो क्लच दबाते हो ऐसा क्लच दबाएगा जैसे इतना पागल करता है, ठीक है। अब वो गियर लगा लिया, अब वो आपने बोला उसको धीरे धीरे छोड़ना क्लच और एक्सीलेटर लेना है, आपने बोला धीरे धीरे छोड़ना, लेकिन वो धीरे धीरे नहीं, वो महा धीरे धीरे छोड़ेगा।